तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिया जयपाल में। मेरा नाम है अजय पाल और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ सीक्रेट इन्वेजन मूवी पर। क्या दोस्तों, एक वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है 21 जून को और इसको मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है अभी, इसलिए उसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इसकी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें निक फ्यूरी को आप जानते होंगे, अवेंजर को क्रिएट करने वाला निक फ्यूरी, वो इसमें हमको देखने को मिलता है। पूरी पिक्चर में मेन लीड वही करता है क्योंकि उसका जो माइंड है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो किस तरह से सोचता है किसी को पता नहीं है, पर वो अब बूढ़ा हो गया है तो इसके साथ उसके साथ बहुत सारी टीम उसके साथ काम कर रही है। इसमें जो हमारा विलन होने वाला वो स्क्रल्स हैं जो बाहरी प्लैनेट से आए हुए हैं और हमारी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं, उसको घर बनाना चाहते हैं अपना, तो ये इनको रोकना है। बस इसकी ही कहानी है। इसमें विलन है वो आपको दिखा दूंगा मैं ये, तो इसलिए उनकी चलती रहती कहानी है। जो एक स्क्रल्स है जो उनके साथ निक फ्यूरी के साथ मिला हुआ रहता है, यानी कि वो एक अच्छा स्क्रल्स है जो मदद करता है और अपने घर वापस जाने के लिए इंडिया को घर नहीं बनाना चाहता, यानी कि पृथ्वी को, तो इसलिए वो उसका साथ देता है निक फ्यूरी का। निक फ्यूरी जो है स्पेस में रहता है, वो इस खतरे को निपटाने के लिए इससे वो अपनी पृथ्वी पर वापस आया और अपना मिशन पूरा कंप्लीट करता है। तो इसमें जो है नया विलन्स दिखाया गया है और इसके साथ जो है स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इसके लगभग 8 एपिसोड आने वाले हैं और इसको जो एक साथ रिलीज नहीं किया गया है जैसा कि जियो सिनेमा पर हो रहा है, वैसा ही नेटफ्लिक्स पर भी ये हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, रोज का एक दिखाने का काम काफ़ी ठीक है, बट यही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जो है स्क्रल्स हैं जो हमने अवेंजर्स में भी बहुत बार इन विलन्स को देखा है, तो ये एलियंस टाइप के होते हैं जो रूप बदल लेते हैं और इसलिए ये कुछ भी हो जाकर बन जाते हैं। इसमें मिस्टर मार्वल भी दिखने वाली हैं, ठीक है, मिसेस मार्वल, तो इसीलिए बहुत ही कमाल की होने वाली है। वो अगले एपिसोड यानी कि लगभग लास्ट में दिखेगी, जब इनसे ये हैंडल होना बंद हो जाएगा, ये लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे, फिर इसको वहाँ पर लाया जाएगा। तो कैप्टन अमेरिका का जो साथ काम करता था वो भी इसमें दिखने को मिलेंगे। टीम कैसे काम करती है, ये अमेरिका वालों के लिए खतरा है क्योंकि निक फ्यूरी जो है सरकार से अलग काम करता है और इसीलिए वो सरकार उसके पीछे पड़ी रहती कि ये ऐसा काम क्यों करता है, पर वो अच्छा करता है, पृथ्वी को बचाने के लिए कर रहा है काम सब, तो इसीलिए उसका काम लोग भी पसंद करते हैं। उसके दुश्मन भी कई हैं जो इंसान हैं, स्कल्स तो हैं ही सही, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा खास तो नहीं मिला, बट आप लोगों को इसमें बांधे रखेगी स्टोरी। आप एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर पाओगे कि आप लोग 10 सेकंड का भी स्किप ले सको, जो भी ये सब इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखने मिलेगा, अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो आप लोग छूट जाएगा, इसीलिए पूरा देखें और मज़ा आने वाला है दोस्तों। फिर से और सारी मूवी आने वाली हैं उसका भी रिव्यू करते हैं, उससे पहले इसको वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।